अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इंटरनेशनल एचआरएम में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक विच इज इंटरनेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अच्छा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का टॉपिक आपने अपने एचआरएम के कोर्स में भी पढ़ा है और फर्दर आप परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो एचआर के स्पेशलाइजेशन में भी पढ़ते हैं। हम इस टॉपिक में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट विद पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड स्पेसिफिक फोकस ऑन एक्सपैट्रिएट्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये बात हम शुरू में ही डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक्स भी डिस्कस किए कि जो परफॉर्मेंस मैनेज करना, ठीक है, जब हम ग्लोबली बात करते हैं, जो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस है, उसकी डिफरेंट सब्सिडरीज हैं, उसके हेड ऑफिस हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। प्रीवियसली हमने देखा कि कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशंस के प्रोसेस डिफरेंट होते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्पर्स बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, और आपने अपने इंटरनेशनल बिजनेस के कोर्स में भी ये चीजें डिस्कस की होंगी कि बिजनेसेस जो हैं वो किस तरीके से इंटरनेशनली स्प्रेड आउट होते हैं। तो यहाँ पे एचआरएम प्रैक्टिशनर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ किस तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस, यानी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और कोई एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड्स को साथ लेके चलना, उसके जरिए हम ये सारा प्रोसेस जो है उसको डिजाइन एंड एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे इस चैप्टर की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? वी विल एड्रेस द मल्टीनेशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एट द ग्लोबल एंड लोकल लेवल, उसका कंपेरिजन, हाउ नॉन कंपेरेबल डाटा इज अ बिग इशू, then volatility of the global environment, then effect of distance and time difference, then level of subsidiary maturity, ठीक है, new subsidiary के और dynamics होते हैं, जो matured subsidiary है उसके dynamics different होते हैं, then we will discuss the performance management as part of an M&E's control system, ठीक है, आपने जैसे managerial functions पढ़े, planning, organizing, leading and controlling, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो आपके कंट्रोलिंग फंक्शन, जो मैनेजेरियल फंक्शन है, उससे रिलेटेड होता है। देन फैक्टर्स एसोसिएटेड विद एक्सपैट्रिएट परफॉर्मेंस विच इंक्लूड्स कंपनसेशन पैकेजेस, हेडक्वार्टर सपोर्ट, टास्क एंड रोल्स एंड होस्ट एनवायरमेंट फैक्टर्स। देन वी विल मेक अ कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन एक्सपैट्रिएट्स एंड नॉन एक्सपैट्रिएट्स एंड दोज हु आर ऑन नॉन स्टैंडर्ड टास्क, एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर of staffing chapter, then there are some non-standard assignments and we cannot actually say that these people are expatriates, ठीक है, उनकी assignments जो थोड़ी different होती हैं, जैसे commuter assignments हो गई, rotational assignments हो गई, virtual assignments हो गई, and assignments such as commuters and virtual workers, and then lastly issues that are related to the performance appraisal. Before we proceed, we need to understand that performance management and performance appraisal are two different terms, although they are interrelated. ठीक है, और इसमें एक difference हमें वो समझना है शुरू से ही कि performance management is basically a process that enables the multinational enterprises to evaluate and continuously improve the performance of individuals, ठीक है, subsidiary units and as well as overall corporate performance. ठीक है, और इसके कुछ सेट डिफाइंड गोल्स और टारगेट्स होते हैं जिसके अगेंस्ट वो परफॉर्मेंस जो है वो उसको कंपेयर करती है। अच्छा, जो परफॉर्मेंस, इसका मतलब है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये पूरी एक अप्रोच का नाम है जो इंश्योर करती है कि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इस स्टैंडर्ड पे चल रही है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको सपोर्ट करें। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बेसिकली दैट प्रोसेस कि जिसमें हम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एसेस करते हैं और फिर उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, यानी असेसिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग अ फीडबैक टू एम्प्लॉयज सो दैट वो अपनी परफॉर्मेंस को करेक्ट कर सके या उसको इम्प्रूव कर सके, या आप उनके ऊपर कोई डिसीजन ले सके, उनकी कंपनसेशन का डिसीजन, उनकी हायरिंग और फायरिंग का डिसीजन, तो वो प्रोसेस जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। सो इट्स मेनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज बेसिकली the performance appraisal, और आप वहां पे employees की current और past performance को evaluate करते हैं in relation to their performance standards जो आपने पहले से set किए होते हैं। Here a question
may arise in our mind ki why we need to appraise the performance. ठीक है, यू आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो द आंसर्स के हम परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं तो एक बेस बनती है हमें कि एम्प्लॉय की सैलरीज कैसे देनी है, किस बेस पे देनी है, उनकी प्रमोशंस करनी है नहीं करनी, ठीक है, उनको रिटेन रखना है या वो उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली इतनी डाउन जा रही है कि वी नीड टू प्रोबेबली लेट देम गो. ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनकी तरफ लीड कर रही है कि नहीं, क्योंकि जाहिर है सारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट्स एंड गोल्स. उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये पता चलता है कि एम्प्लॉय की कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं जॉब के, कौन से स्पेसिफिक टास्क हैं जहां पे देर आर सर्टन डेफिशिएंसीज. ठीक है, और फिर वो अपने मैनेजर के साथ मिलके या अपने सुपीरियर के साथ मिलके उन डेफिशिएंसीज पे वर्कआउट कर सकते हैं. ठीक है, और फिर साथ साथ ये भी पता चलता है कि एम्प्लॉयज के कौन से वो स्पेसिफिक एरियाज हैं जॉब के जिसमें उसकी उसकी परफॉर्मेंस दैट इज गुड, हम उनको मोटिवेशन के तौर पे उनको क्रेडिट दे सकते हैं, उनको रीइंफोर्समेंट्स दे सकते हैं इन द सेंस ऑफ मे बी सम बोनसेस, सम प्रमोशन, सम ट्रांसफर इन अ बेटर एरिया. तो वो जो भी कंपनसेशंस और के जो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं उनको यूज करके हम उनकी उस परफॉर्मेंस को रीइंफोर्स कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर एम्प्लॉयज फ्यूचर करियर ग्रोथ के जी फ्यूचर में. फॉर इंस्टेंस देयर आर सर्टन क्राइटेरियाज जो ऑर्गेनाइजेशन ने रखे होते हैं कि प्रमोट किन बेसिस पे करना है अपने एम्प्लॉय को. ठीक है, ऑब्वियसली देयर जैसे गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर इन पाकिस्तान एंड इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां पे तो परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा अहमियत नहीं दिया जाता, थोड़ा बहुत उसका जरूर अमल दखल होता है लेकिन एक्सपीरियंस बेस्ड जो है प्रमोशन होती है. बट मैनी प्राइवेट फर्म स्पेशली द मल्टी नेशनल फर्म एंड मोर स्पेशली जो टेक फर्म्स होती है मल्टी नेशनल, वहां पे तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इज द की क्राइटेरिया. और परफॉर्मेंस के बहुत सारे, अब ये नहीं होता कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको सीधा सीधा प्रमोट करते हैं. देर आर मैनी डायमेंशंस जिनके ऊपर उन्होंने सेट किया होता है. फॉर इंस्टेंस अगर एक एम्प्लॉय एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है तो हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि जब अगर कोई बिजनेस इतने लेवल का बिजनेस लेके आएगा और इतनी वो ट्रेनिंग्स करेगा और करवाएगा और इतना एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराएगा तो फिर आपने उसको एक नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करना है. ठीक है, उसके बाद उसका एक्सपोजर बड़ा काउंट करता है, उसने ऑर्गेनाइजेशन में कितना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व किया ये बहुत ज्यादा काउंट करता है. एंड देयर वाज समवन हु वाज टेलिंग मी कि जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ये भी देखती है कि जो एम्प्लॉय इज ऑन अ सेम पोजिशन फॉर मैनी ईयर्स और उसने वो जो क्राइटेरियाज जो ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किए हैं उनको मीट नहीं किया तो देन एचआर स्टार्ट्स टू थिंक दैट दिस एम्प्लॉय शुड नॉट बी देयर. ठीक है, क्योंकि अगर कोई अपना करियर को आगे लेके नहीं चल पा रहा इसका मतलब है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जो इस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है. सो आइदर दे कैन मेक एन अरेंजमेंट सो दैट एम्प्लॉय रिजाइंस, और वो रिजाइंस करने के उनके बहुत सारे तरीके होते हैं, इंक्रीमेंट्स नहीं लगाए जाते या ट्रांसफर ऐसे एरियाज पे किया जाता है जहां पे एम्प्लॉय जो है वो काम करना पसंद नहीं करता. इट्स नॉट ऑलवेज के एचआर स्ट्रेट फॉरवर्ड फायर अवे कर दे, देर आर अदर वेज टू फायर एन एम्प्लॉय इन केसेस जब ये बहुत जरूरी हो जाता है तो वी कैन ऑलवेज आस्क देम टू रिजाइन देमसेल्फ और कैन स्ट्रेट अवे फायर एज वेल. तो वो बहुत सारे तरीके हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली देर इज ऑल्सो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसका एक आपको इसलिए भी एक इंडिकेशन मिलती है कि वो कौन से वीक एरियाज जो हमने पिछली बार देखे जिसमें एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग्स की जरूरत है तो उसको उसके स्पेसिफिकली ट्रेनिंग करानी चाहिए. तो वो जो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का और बहुत ज्यादा लेंथी परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स इसीलिए प्राइवेट फर्म्स में बनाए जाते हैं ताकि मैक्सिमम जो उसकी जॉब की डायमेंशंस हैं वो कवर की जा सकें और उनको जो है वो आप देख सकें कि उसकी परफॉर्मेंस के कौन कौन से एरिया स्ट्रांग है और कौन कौन से एरियाज वीक हैं किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय के.
ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अप्रेजल की जब बात हो तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत सारे डिफरेंट मेथड से होता है। समटाइम्स सुपरवाइजर अप्रेज कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस अपने सबऑर्डिनेट की, समटाइम्स आप पीयर्स जो हैं या आपके कुलीग्स जो हैं जो आपके सेम लेवल के हैं वो कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस एवेल्युएट। इन सर्टन केसेस जैसे हमने अक्सर यूनिवर्सिटीज में भी देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंस्ट्रक्टर्स की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो हियर इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ सैंपल फॉर्म। ऑब्वियसली जब आप लोगों का भी अपना परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करते हो अपने टीचर्स की तो इसी तरह का एक फॉर्म आता है जिसमें आप फिलअप करते हो। देर आर सर्टेन फील्ड्स एंड सर्टेन क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द जॉब, जस्ट लाइक सर्वेज, ठीक है, जिसमें एग्री डिसएग्री स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यस नो क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, अब ये जिस तरह आप सामने है कि जो स्टूडेंट एवेल्युएट कर रहे हैं टीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले स्टूडेंट अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। आई अटेंड क्लासेज ऑलमोस्ट सम वेरी फ्यू, ठीक है, एंड नॉट अवेलेबल वाला आंसर भी हो सकता है इसके अंदर। तो इस तरह के फॉर्म्स जो है वो हर कंपनी डिजाइन करती है और उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको उसके काफी फॉर्मेट मिल जाएंगे। इन सम केसेस कुछ कंपनीज जो है वो इस तरह इन फॉर्म्स को काफी सीक्रेट भी रखती हैं, डिस्क्लोज नहीं करती, और डिस्क्लोजर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन भी कराए जाते हैं इन एम्प्लॉयज के साथ, ताकि जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म है वो शेयर ना हो या किसी और के परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म जो है वो शेयर ना हो। स्पेसिफिकली एचआर का बड़ा फंक्शन होता है कि सीक्रेसी को, इस प्राइवेसी को कायम रखा जाए, क्योंकि एम्प्लॉयज के लिए और कई कंट्रीज में कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन वांट्स टू कीप देयर डाटा प्राइवेट। तो एचआर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अब इन इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस का डाटा है वो फिल होके उनके इमीडिएट सुपरवाइजर से या और किसी और मोड से फिलअप होके वो एचआर के पास ही आएगा। तो देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि कोई लीक हो जाए, किसी का डाटा, किसी का बड़ा एक बुरा अप्रेजल है वो लीक हो जाए, तो ऑब्वियसली उसके लिए वो पहले ही एक डिमोटिंग फैक्टर था, वो और ज्यादा डिमोटिंग फैक्टर उसके लिए हो जाएगा। तो ये चीजें भी एचआर को बड़ी ध्यान में रखनी चाहिए, जहन में रखनी चाहिए कि दे नीड टू कीप दीज थिंग्स प्राइवेट, ठीक है, और डिजाइन करना और उसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से डिफरेंट सेक्शंस हैं वो डिजाइन करना भी एचआर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ऑब्वियसली द प्रोसेस ऑफ जॉब डिजाइन एंड जॉब एनालिसिस वो इसीलिए किया जाता है कि एचआर उन सब प्रोसेस से गुजर के इस तरह जॉब डिस्क्रिप्शन जब बनाती है तो उस जॉब डिस्क्रिप्शन के बेस पे कपल्ड विद द टारगेट्स ऑफ द एम्प्लॉय ये परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म जो है वो डिजाइन किया जाती है। बिफोर वी प्लांज डीप फर्दर इन टू दिस टॉपिक, यहाँ पे एक केस स्टडी है हमारे पास कि किस तरीके से परफॉर्मेंस गोल्स को सेट करके और फिर उनको एवेल्यूएट करके या प्रेस करके जो है वो कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव कर सकती है। सो ऑलवेज एचआर एज अ प्रॉफिट सेंटर इज अ क्वेश्चन विच इज ऑलवेज इन द माइंड ऑफ अदर मैनेजेरियल डिपार्टमेंट कि जी एचआर का क्या काम है। ऑब्वियसली एचआर का काम है तो उसको इतना ज्यादा डिस्कस किया जाता है, और उसका अगर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट है तो वो सस्टेनेबल एक डिपार्टमेंट है, और ज्यादा ज्यादा जो है इनको ऑप्ट कर रहे हैं जो बिजनेसेस हैं वो एचआर डिपार्टमेंट्स को या एचआर फंक्शंस को अडॉप्ट कर रहे हैं। सो द सेटिंग परफॉर्मेंस गोल्स एट बॉल कॉरपोरेशन इज द नेम ऑफ दिस केस स्टडी, इनफैक्ट नॉट अ केस स्टडी जस्ट अ केस इंफॉर्मेशन। अच्छा, बॉल कॉरपोरेशन सप्लाइज मेटल पैकेजेस टू कस्टमर्स सच एज फूड प्रोसेसर्स एंड पेंट मैन्युफैक्चरर्स वर्ल्ड वाइड। द मैनेजमेंट टीम एट वन बॉल प्लांट कंक्लूडेड दैट इट कुड इम्प्रूव प्लांट परफॉर्मेंस बाय इंस्टीट्यूटिंग एन इम्प्रूव्ड प्रोसेस फॉर सेटिंग गोल्स एंड फॉर इंश्योरिंग दैट द प्लांट्स एम्प्लॉयज बिहेवियर वर इन सिंक विद दीज गोल्स। ठीक है, तो इन सिंक विद दीज गोल्स किस तरह इंश्योर करेंगे, ऑब्वियसली उसके लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की फिलोसफी जो है उसको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। द न्यू प्रोग्राम बिगेन बाय ट्रेनिंग प्लांट्स लीडर ऑन हाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जाहिर ट्रेनिंग इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एचआर, तो आप ट्रेनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ऑन सेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग डेली परफॉर्मेंस गोल्स, और फिर जाहिर है जब आपने उनको इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी देन यू हैव टू सेट द गोल्स जो आप उनसे डिमांड कर रहे हैं। दे इन टर्न कम्युनिकेटेड एंड ट्रैक डेली गोल अटेनमेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग टीम स्कोर कार्ड्स टू द प्लांट्स वर्क टीम्स। प्लांट्स एम्प्लॉयज रिसीव स्पेशल कोचिंग एंड ट्रेनिंग टू इंश्योर दे हैड द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल्स। According to management, within 12 months, the plant increased production by 84 million cans, reduced customer complaints by 50%, and obtained a return on investment of more than $3 million. So here we can see that by combining
all the functions of HR, or not all the functions, some of the functions like training and performance appraisal. ठीक है, so you are able to improve the profitability or the returns of the company. अच्छा, अब ये डायग्राम जो है ये एक समरी है कि किस तरीके से MNEs की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, उसके क्या पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उसमें क्या इश्यूज होते हैं, फिर क्या एक्शंस लिए जाते हैं और फिर क्या उनके आउटकम्स होते हैं. ठीक है, तो आप देखें, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया है कि MNEs में जब भी कोई HR का फंक्शन परफॉर्म होता है तो वो कॉम्प्लेक्स होता है. उसकी वजह ये होता है कि उसने लोकल सब्सिडरीज की डायनेमिक्स को भी देखना होता है और ग्लोबल जो उसकी हेड ऑफिस की या ग्लोबल सिनेरियोज जो है उनको भी सामने रखना पड़ता है. तो ये फिगर इसी तरीके से एक समराइज कर रही है. और आप लोगों को ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी जो बिजनेस स्टडीज होती हैं उसके अंदर इस किस्म के फ्लो चार्ट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एक बहुत जो फैली हुई इंफॉर्मेशन है, बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन है, उसको हम एक विजुअली कंडेंस कर लें और एक ही नज़र में बहुत सारी चीज़ों को हम असेस करने के लिए हमारे लिए ईजी हो जाए. ठीक है, तो आप देखें अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. ये जो आपके सामने मॉडल है ये सबसे पहले देख रहा है इन द स्टार्ट के सब्सिडरी को ये सेट करना है कि उसकी प्रायोरिटीज ग्लोबल हैं या लोकल हैं और उनमें से कौन सी चीज उसने ग्लोबल प्रायोरिटीज में से उठा के लानी है और कौन सी लोकल प्रायोरिटीज में से उठा के लानी है. अच्छा, ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज रोल प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस, फिर लोकल स्ट्रेटजीज रोल प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि उनके कल्चर डिफरेंट होते हैं, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि उनकी जो बिजनेसेस के टाइप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो इंटरेक्ट करके, ठीक है, एक सब्सिडरी की एम्फेसिस और जो गोल्स हैं वो उसको डिफाइन करेंगे. अच्छा, उसके बाद फिर आ जाएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस. अजय, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस जो है जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय का है, ठीक है, इसमें फिर जो रिमोट अप्रेजल सोर्सेज होंगे या इनपुट होंगी, जो बाहर बैठे हैं मैनेजर्स वहां से चीजों को किस नजर से देख रहे हैं, और जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में एचआर है वो किस नजर से चीजों को देख रही है, और साथ साथ जो लोकल मैनेजर्स हैं और जो लोकल एचआर है वो किस तरीके से, वो क्या इनपुट दे रही है, क्या उस एम्प्लॉय के बारे में जो है वो हेड ऑफिस को बता रही है, तो वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंडिविजुअल एम्प्लॉय का वहां पे आ जाएगा. अच्छा, इसमें क्रिटिकल इश्यूज क्या होंगे, क्राइटेरियाज होंगे कि जी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट का मतलब है कि जो ज्यादा स्पेसिफिकली लिखे नहीं गए, नोट डाउन नहीं हुए, लेकिन सबको पता है कि इस तरह होना चाहिए, और एक्सप्लिसिट इज समथिंग जो एक्सप्लिसिटली नोट डाउन है, जो एसओपीज आपकी जॉब डिस्क्रिप्शंस बनी होती हैं, टारगेट्स जो लिखे होते हैं, वो सारी चीजें वहां पे आ जाएंगे. देन द पर्सन वर्सेज एक्टिविटीज वर्सेज आउटकम्स, वो चीजें हमने देखनी है. ठीक है, पर्पजेज डेवलपमेंटल पेज, वो जो हमने चीजें डिस्कस की थी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का रीजन क्या है, क्यों करते हैं, वो सारी इधर डिस्कस होगी. आउटकम्स पे क्या होगा, ठीक है, अब वो आउटकम्स में हो सकता है अगर आपको कुछ कमी है उसके पैटर्न में, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, तो एडिशनल सब्सिक्वेंट असेसमेंट उसमें करनी पड़ेगी. इंडिविजुअल के आउटकम्स हैं वो क्या होंगे, ट्रेनिंग, करियर, फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेज, वो सारी चीजें जो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की थी. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स क्या है, कंट्रोल किस तरह मेंटेन हुआ, क्या चीज ठीक हुई, रेमेडीज हुई नहीं हुई, क्या वजह हुई है रेमेडीज, क्या कोई जो गड़बड़ चल रही थी परफॉर्मेंस में या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में या किसी डिपार्टमेंट में, उसको किस तरीके से ठीक किया हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस से. रेपुटेशन बेहतर हुई ऑर्गेनाइजेशन की इसकी वजह से, क्या लीगैलिटीज इसमें आ जाती हैं, क्योंकि हर चीज में एचआर की हर चीज में डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंट्रीज लीगल सिनेरियोज भी होते हैं. तो ये पूरा फ्लो चार्ट हमें यही बता रहा है कि किस तरीके से एक MNE की जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू अ लोकल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या वो कंपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रही. और यहाँ पे ऑब्वियसली जो एम्प्लॉई है वो PCN भी हो सकता है, TCN भी हो सकता है और HCN भी हो सकता है, यानी पेरेंट कंट्री का है तो इसका मतलब है कि वो एक्सपैट्रिएट है, ठीक है, थर्ड कंट्री का भी हो सकता है और होम कंट्री का भी हो सकता है. Now we will discuss के specifically एक MNE के लिए performance management का जो process है उसके अंदर क्या constraints आती हैं या क्या factors होते हैं जिसकी वजह से MNE का performance management जो है वो as compared to a local performance management यानी जो company international operate नहीं कर रही वो different क्यों हो जाता है.
अच्छा, ऑब्वियसली इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल वर्सेस पार्ट। होल वर्सेस पार्ट का मतलब ये है कि एम एंड ई दो तरीके से आप ऑपरेट कर रही है। ऑन ऑन वन साइड इट इज अ सिंगल एंटिटी जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही है एज अ होल, एज अ सिंगल एंटिटी, और सेकेंडली एज अ पार्ट मीन्स के वो साइमल्टेनियसली फेस कर रही है डिफरेंट नेशनल एनवायरमेंट जहां जहां उसकी सब्सिडरी है। अच्छा, अब वहां पे मसला ये है कि जैसे मैंने एक दफा शायद पहले भी जिक्र किया था इस बात का कि आप कई कुछ ऐसी मार्केट्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं जहां पे आप प्रॉफिटेबल नहीं होते, बट यू कैन नॉट स्किप और यू कैन नॉट एग्जिट दैट मार्केट। उसकी वजह ये होती है कि वहां पे हो सकता है आपका कोई कंपेटिटर भी ऑलरेडी बैठा हो और आप उस कंपेटिटर के लिए उस मार्केट को छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है? तो आप वहां पे हो सकता है आपकी बैलेंस शीट एक रेड लाइन शो कर रही है, यानी नेगेटिव में जा रही है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैंने ये मार्केट छोड़ दी तो मेरे कंपेटिटर को हो सकता है किसी और मार्केट में इसका फायदा हो जाए। तो ये जो एक ऐसा चीज है जो एक सिनेरियो पैदा कर देता है कि एज अ होल भी आपको सोचना होता है, लेकिन स्पेसिफिकली वो सब्सिडरी जिसकी आप परफॉर्मेंस इस टाइम देख रहे हैं वो उस टाइम सही परफॉर्म नहीं कर रही या प्रॉफिट में नहीं जा रही। ये सिचुएशन अक्सर इस तरह भी हो सकती है कि जब आप एम एन ई ज्वाइंट वेंचर करती है किसी और मार्केट में, ठीक है, और शॉर्ट टर्म में उस ज्वाइंट वेंचर की उसको एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि उसको रिटर्न मिलेगी, ठीक है, और हो सकता है कि एम एन ई उसमें रिसोर्सेज भी कम इन्वेस्ट करे। अब इस तरह के ज्वाइंट वेंचर में देयर इज अ चांस के आपको फौरी तौर पर रिटर्न या प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, तो वहां पे सीनियर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस अप्रेजल पे आप क्या चीज मेंशन करेंगे कि जब परफॉर्मेंस आप अप्रेज कर रहे हैं आपको प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे एमएनई चल रही है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी नहीं अडॉप्ट कर रही, तो वहां पे एक एचआर को फिर इस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल्स डिफाइन करने पड़ती हैं टू कीप इन ट्रैक कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं भी आ रहा तो दिस इज अ लार्जर स्ट्रेटेजी, अ होल स्ट्रेटेजी, इंस्टेड ऑफ के सिर्फ पार्ट के ऊपर फोकस करें। सेकेंड कंस्ट्रेंट इज टू कंपेयर द डेटा। अब सब्सिडरी से जो डेटा आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहे वो फाइनेंस का डाटा हो, सेल्स का डाटा हो, मार्केटिंग का डाटा हो, या ऑपरेशंस का डाटा हो, वो जिस किस्म का भी चीजें हैं वो डिफरेंट होती हैं। अकाउंटिंग रूल्स भी डिफरेंट हो जाते हैं कंट्री टू कंट्री, टैक्स रूल्स भी डिफरेंट हो जाते हैं कंट्री टू कंट्री, सेल्स टैक्स रूल्स भी डिफरेंट हो जाते हैं कंट्री टू कंट्री, कब प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाना है या होल रिटर्न के ऊपर टैक्स लगाना है, ये सारी चीजें जो हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं, तो उसकी वजह से आपको उस नॉन कंपेरेबल डाटा की वजह से मुश्किल हो जाता है समटाइम्स कि आप एक यूनिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करें। साथ साथ लेबर लॉस का भी बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। अब लेबर लॉ में ये भी एक हो सकता है कि अगर आपका कोई एक प्लांट है किसी कंट्री में, एक फैक्ट्री है, ठीक है, तो अब आपको तो चाहिए कि अगर फैक्ट्री प्रॉफिट नहीं हो रही तो वहां से आप लोगों को निकाल दें, ठीक है, लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस मुल्क के लॉ के हिसाब से आपको आप इसी तरीके से फायर नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते किसी प्लांट से लोगों को जो बिलो कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। आपकी वहां की लेबर लॉज रिक्वायर ये करती हैं कि आपको वहां पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेंटेन रखनी है, तो इस किस्म के फैक्टर्स जो हैं वो बड़ा मुश्किल बना देते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव किस्म का परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाया जाए सब्सिडरीज के लिए। दे नीड्स टू टेक अ मोर सब्जेक्टिव अप्रोच और अ कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सब्सिडरी मैनेजर्स। तीसरा फैक्टर है दैट इज द वॉलिटिलिटी। वॉलिटिलिटी का मतलब है एक बड़ा टर्बुलेंट और बड़ा चेंजेबल किस्म का जो इन्वायरमेंट है ग्लोबल, वो बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करता है इस सूरत हाल में। जैसे कोविड, जी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। अब कोविड में जाहिर है जो आपने परफॉर्मेंस टारगेट्स रखे थे, अब कोविड को किसी मुल्क में ज्यादा हिट हुआ है, किसी मुल्क में कम हिट हुआ है, वहां पे सब्सिडरीज के सिनेरियोस डिफरेंट हैं, यहाँ पे सब्सिडरीज के सिनेरियोस डिफरेंट हैं। इसी तरह टेररिज्म हो गया, ऑयल प्राइसेस हो गए, कॉर्पोरेट कोलैप्सेस हो गए, पॉलिटिकल कोलैप्सेस हो गए, ये जो सारे टर्बुलेंट फैक्टर्स हैं दे नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड जब आप अपनी सब्सिडरीज के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल्स डिजाइन कर रहे हैं और टारगेट सेट कर रहे हैं, और इवन टारगेट सेट हुए होते हैं तो रन टाइम में यू हैव टू चेंज दोस टारगेट
इनकॉर्पोरेटिंग ऑल दीज वोलेटाइल फैक्टर्स, ठीक है, जिनको हमने ये भी कहा था कि दे आर नॉन प्रिडिक्टेबल फैक्टर्स, इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद सेपरेशन बाय टाइम एंड डिस्टेंस। आज तो ये वाली चीज अब थोड़ी सी इतनी ज्यादा नहीं रही ये फैक्टर, क्योंकि आजकल वेब बेस्ड HRIS का बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है जी, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड आई वुड आल्सो सजेस्ट यू पीपल के इफ यू गेट अ चांस कि आप लोग टेक्नोलॉजी की फील्ड में थोड़ा सा आगे जाना चाहते हो, तो HRIS इज अ वेरी गुड फील्ड। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नथिंग मोर देन अ सॉफ्टवेयर लाइक योर UMS, ये UMS की तरह का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर HR के जो फंक्शंस हैं वो इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं और आप उसको हैंडल कर रहे होते हैं। साथ साथ ये होता है कि समटाइम्स मैनेजर्स नीड टू ट्रेवल अब्रॉड ताकि अपने एम्प्लॉयज के साथ फेस टू फेस मीटिंग करके वो उनके गोल्स भी सेट करें और उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो है उसको डिस्कस भी करें, उनके परफॉर्मेंस टारगेट्स मीट क्यों नहीं हुए, क्यों हुए हैं। ऑब्वियसली फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज मच प्रेफरेबल एज कम्पेयर टू यू नो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेकिन फिर सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि यू नीड टू रिलाई ऑन अदर थिंग्स, ठीक है। तो कई सब्सिडरीज ऐसी होती हैं जिनमें मे बी कम्युनिकेशन इज नॉट दैट गुड, या वो लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है, या फिर वो सुबह है तो दूसरी जगह पे रात है, ये वाले इश्यूज भी काफी हद तक आपके जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकते हैं, गोल्स जो है वो सही तरीके से डिफाइन नहीं हो पाते। तो यू नीड टू बी द HR नीड टू इनकॉर्पोरेट दीज फैक्टर्स के जी कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स जो है वो अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट करने जरूरी हो जाती है, ठीक है। और ये इसी वजह से HRIS का बहुत ज्यादा आजकल अमल दखल है कि आप वेब बेस्ड स्पेसिफिकली HRIS को इम्प्लीमेंट करें स्पेसिफिक MNEs के हिसाब से, ताकि ये टेक्निकल सिस्टम्स जो हैं ये ज्यादा बेहतर तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम जो है वो कम कर सके। अच्छा, इसके बाद ये भी बड़ा जरूरी होता है कि रेलिवेंट कंपैरेटिव डाटा नहीं मिल पाता आपको, जैसे पहले भी हमने जिक्र किया था, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट इधर करें कि नॉन कंपेरेबल डाटा है, ठीक है। वो जो नॉन कंपेरेबल डाटा है उसका एक इशू आ सकता है कि अब फॉर एग्जांपल एक फॉरेन सब्सिडरी है, ठीक है, मेक्सिको में। अच्छा, अब वहां पे ये होता है कि वहां पे अगर अमेरिकन मैनेजर से आधा भी मैक्सिकन मैनेजर काम करे, ठीक है, लेकिन आप उसको उस तरह फायर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका काम करने का स्टैंडर्ड, उसका काम करने का क्राइटेरिया इज मच डिफरेंट एज कंपेयर टू एन अमेरिकन। अच्छा, अब वहां पे देखें, मैक्सिको में अगर कोई 6 या 7 या 8 घंटे लगा रहा है, अमेरिका में कोई 10 घंटे लगा रहा है, तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। कोई मैक्सिको में 6 से 7 घंटे लगा रहा है, कोई का अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो वो प्रोडक्टिविटी की जो कंपेरिजन है वो उस तरीके से मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रेलिवेंट कंपैरेटिव डाटा, अ मैनेजर इन अ मैक्सिको, अ मैनेजर इन अमेरिका, अ मैनेजर इन चाइना आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो दीज आर सम कंस्ट्रेंट्स जो MNEs को यहाँ पे हैंडल करने होते हैं। ऑल्दो ये बात कहीं पे मेंशन नहीं होती कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, लेकिन एक्चुअल में होता यही है कि आप परफॉर्मेंस टारगेट्स को सेट इस तरह करते हैं कि आपका एक एक जो कंट्रोल का फंक्शन है, कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है मैनेजेरियल, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। तो थ्रू दिस फॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म एंड कम्युनिकेशन, अच्छा वो किस तरह होती है, आइदर थ्रू फीडबैक या अप्रेजल्स, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होल फंक्शन ऑफ HRM है, ये कॉरपोरेट स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कराने का एक सिस्टम होता है, अच्छा आइदर फॉर्मली और इनफॉर्मली। और ऑब्वियसली कोई कंपनी इसके बगैर चल नहीं सकती, लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज को तो इससे भी जरूरी है कि जो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल सिस्टम उन्होंने रखना होता है अपनी सब्सिडरीज पे, वो थ्रू देयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रखते हैं। एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड किया जाता है अगर वो अप्रोप्रिएट वर्क बिहेवियर्स जो है उनको अडॉप्ट करें, जो मेन हेडक्वार्टर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, और उनको रेप्रीमेंड किया जाता है या उनको पनिश किया जाता है थ्रू दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसीजर। अच्छा, एक दफा मैं समझ आ गई कि डायनेमिक्स डिफरेंट किस तरह होते हैं एक इंटरनेशनल HRM में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में और एक लोकल HRM में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। तो अब हम फोकस अपना लेके आते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पे, ठीक है। हमने प्रीवियसली ये कहा था कि एक्सपैट्रिएट्स वो एम्प्लॉयज होते हैं जो वो PCNs और TCNs होते हैं,
जो अपने मुल्क से बाहर असाइनमेंट्स पे गए होते हैं, ठीक है, अगर पीसीएंस हैं तो वो हेड ऑफिस से बाहर असाइनमेंट्स पे गए होते हैं, टीसीएंस किसी और मुल्क से आए होते हैं, और एचसीएंस अक्सर होता ही है कि अपने मुल्क से हेड ऑफिस में असाइनमेंट पे आए होते हैं, ठीक है। साथ साथ कुछ ऐसे भी एक्सपेट्रिएट्स होते हैं जो नॉन स्टैंडर्ड या शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स पे आते हैं, जैसे कम्यूटर्स हो गया, वर्चुअल हो गया, ठीक है, या नॉन एक्सपेट्रिएट्स इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेवलर्स हो गए जिस तरह। तो अब हम इनके जो इश्यूज हैं इंटरनेशनल एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, उन पे फोकस करेंगे और उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक्सपेट्रिएट्स के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, तो इट रिमेन्स अ वेरी की इशू इन अ मल्टीनेशनल एंटरप्राइज, ठीक है। ये फाइव फैक्टर्स होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं जब एक्सपेट्रिएट्स की असाइनमेंट्स या एक्सपेट्रिएट्स की परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। सबसे पहले उनका कंपनसेशन पैकेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। फिर वो कौन से टास्क उनको असाइन हुए या किस टास्क के लिए वो दूसरे मुल्क में भेजे गए हैं, ठीक है, जो असाइनमेंट टास्क वेरिएबल्स और उसके हिसाब से एक्सपेट्रिएट्स का क्या रोल है। अच्छा, उसके बाद हेडक्वार्टर की सपोर्ट कितनी अवेलेबल है एक्सपेट्रिएट को, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल जो परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद वो किस एनवायरनमेंट में अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है, वो सब्सिडरी या फॉरेन फैसिलिटी जहाँ पे वो जॉब परफॉर्म कर रहा है, उसके जो डायनेमिक्स है एनवायरनमेंट या कल्चरल डायनेमिक्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। और ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के साथ साथ अगर देखा जाए तो उसकी कल्चरल एडजस्टमेंट जो है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि वो इंडिविजुअल वहां पे गया हुआ है या उसके साथ फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी कल्चरल एडजस्टमेंट। तो ये फैक्टर्स हम वन बाय वन अब नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। कंपनसेशन पैकेज, आज तो कंपनसेशन के बारे में हम अपकमिंग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, एक अलग से कंपनसेशन का चैप्टर होगा, लेकिन रिम्यूनरेशन एंड रिवॉर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो एक एक्सपेट्रिएट दूसरे मुल्क में क्यों गया, अपना घर छोड़ के, अपनी कंट्री को छोड़ के, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर उसकी कंपनसेशन पैकेज का है, जो वो पैसे उसको मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उसको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो परसीव्ड फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, साथ साथ जो उसको एक्सपेक्टेशंस हैं अबाउट करियर प्रोग्रेशन और जो लर्निंग की, वो ओवरसीज असाइनमेंट में जो हमेशा होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है कि वो इस पोस्ट को एक्सेप्ट करे। और अगर वो एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी होती, उसको नहीं लगता कि उसकी उसके पैसे बच रहे हैं, उसको नहीं लगता कि बाहर जाके उसको उतना माली फायदा हो रहा है, जाहिर है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ एवरी जॉब, जो जरूरी नहीं है हर चीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे नहीं चलती। और अगर इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो भी, तो साथ साथ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मोटिवेशन है वो हमेशा ही रहती है, ठीक है। तो अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रही, वो किसी मुल्क में जाता है और वहां पे उसको समझ आती है कि ये जी इस मुल्क के जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, जो वहां पे परचेज करने की है, दैट्स मोर देन द कंट्री जो वो छोड़ के गया, यानी उसके खर्चे वहां से ज्यादा हैं और उसकी आमदनी उससे कम है, तो ऑब्वियसली वो लेवल ऑफ मोटिवेशन और कमिटमेंट उस तरह नहीं रहेगी। सो दिस इज ए व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एचआर कि वो कंपनसेशन पैकेज ऑलरेडी इसी तरह बनाए कि एम्प्लॉय को जैसे धोखा देने वाली तो बात नहीं है यहाँ पे, और वैसे भी आजकल सबको पता होता है कि वो किस मुल्क में जा रहे हैं, तो उनको वहां पे कितनी आमदनी और कितने खर्चे होंगे, लेकिन एचआर को इन चीजों का इसलिए ज्यादा पता होना चाहिए कि एक दफा आपने एम्प्लॉय को भेज दिया, आपने अपनी कंपनी का खर्चा कर दिया, टिकटों का खर्चा कर दिया, ट्रेनिंग का खर्चा कर दिया, और जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनसेशन कम होने की वजह से एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेट हो गए, उसकी परफॉर्मेंस लो है। तो दिस इज वाई कंपनसेशन पैकेज इज वन ऑफ दोज फैक्टर्स जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, जिसको हम इंक्लूड करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशली। द सेकेंड फैक्टर दैट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर इन द एक्सपेक्ट्रिएट परफॉर्मेंस एंड ऑब्वियसली डिजाइनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल्स सिस्टम्स, वो है एक्सपेक्ट्रिएट्स के टास्क, वो किस टास्क के लिए उनको फॉरेन ऑपरेशंस में भेजा गया है, ठीक है। वो स्पेसिफिक टास्क उनको चार कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है रिसर्च के मुताबिक। सबसे पहले एज अ चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर या सब्सिडरी मैनेजर, ठीक है, जिसका मकसद ये है कि वो हेड करे उस सब्सिडरी को और उसके जो यानी जो उस फॉरेन ऑपरेशंस हैं उस सब्सिडरी के, जो लोकल ऑपरेशंस हैं उनको ओवरसी करे और डायरेक्ट करे। ये जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर या टॉप लेवल मैनेजर इन अ सब्सिडरी का टास्क है। अच्छा, सेकेंड इज द स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूसर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूसर का काम थोड़ा सा ज्यादा टफ इसलिए होता है कि इसको बेसिकली
अपने मुल्क में से दूसरे मुल्क में जाके, ठीक है, उसको एक पूरा सिस्टम वहां पे बनाना होता है फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है, जो उसने सीखा होता है अपने मुल्क में या किसी और सब्सिडरी में, उसको वो जाके दूसरे मुल्क में रिप्रोड, जैसे डिजाइन डिपार्टमेंट, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसको ना वो रिप्रोड्यूस करना होता है फॉरेन सब्सिडरी में जाके, जो उसने किसी और जगह पे सीखा होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली कोई मार्केटिंग फ्रेमवर्क बना रहा होगा, कोई जाके वो अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम बना रहा होगा, या कोई प्रोडक्शन प्लांट लगा रहा होगा, वो जो स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूसर है, तो वो उसका काम बेसिकली इस तरह का होता है, यानी टू रिप्रोड्यूस अ स्ट्रक्चर दैट ही और शी हैज लर्न फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंपनी टू अनदर पार्ट, यानी किसी सब्सिडरी में जाके। तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों को यहाँ पे भेजा जाता है जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो पहले एक सब्सिडरी में काम कर चुके होते हैं या हेड क्वार्टर में उस तरह के फंक्शंस पे काम कर रहे होते हैं। समटाइम ये लोग इस तरह भी होते हैं कि जो जाके कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम या कोई MIS सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो इस तरह का उनका एक स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूसर का काम होता है। थर्ड इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज अ ट्रबल शूटर। अगर सब्सिडरी से कोई मामला कंट्रोल में नहीं आ रहा, गवर्नमेंट के मामला कंट्रोल में नहीं आ रहे, रिकवरीज नहीं हो रही, लोग बहुत ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, डिफेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत सारी आ रही हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, कहीं से लीक हो रहा है पैसा, ठीक है, तो इस तरह की चीजों के लिए कोई बंदा भेजा जाए अगर फॉरेन सब्सिडरी को, तो वो ट्रबल शूटर कहलाता है, और वो पर्टिकुलर ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादातर लोगों को भेजा जाता है। चौथा काम जो है वो है ऑपरेटिव। ऑपरेटिव बेसिकली एक नॉर्मल छोटी लेवल का बंदा है, ठीक है, या छोटी सुपरविजरी सुपरवाइजरी पोजीशन जिसके हम फर्स्ट या सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है, जनरली लोअर लेवल के ऑपरेटिव ज्यादा होते हैं, जिसको कोई फंक्शनल टास्क परफॉर्म करने के लिए, जो एग्जिस्टिंग कोई पोस्ट है उसको फिल करने के लिए भेजा जाता है, तो वो उस किस्म का बंदा कहलाएगा ऑपरेटिव। फिर उसके बाद एक और क्राइटेरिया भी है जिसे हम एक्सपेट्रिएट के असाइनमेंट्स को टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, वो ये है कि सबसे पहले होती है टेक्निकल टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स, ठीक है, जिसमें जो आमतौर पे 5 to 10% ऑफ एक्सपेक्टेड असाइनमेंट्स बनाते हैं, जो रिलेटेड टू द जॉब टेक्निकलिटीज, वो जिस तरह की भी हो, हर जॉब की अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की जॉब्स हो, मेडिकल की जॉब्स हो, इंजीनियरिंग में भी डिफरेंट टेक्निकलिटीज होती हैं, आईटी की जॉब्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स की जॉब्स, कंस्ट्रक्शन बेस्ड जॉब्स होती हैं, तो उनके अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। तो टेक्निकल असाइनमेंट जस्ट मेकअप 5 to 10%। सेकेंड इज डेवलपमेंटल असाइनमेंट्स। वंस अगेन ये डेवलपमेंटल असाइनमेंट्स जो है वो सब्सिडरी की जो परफॉर्मेंस है उस पे फोकस करती हैं, और जो लोकल या रीजनल जो नॉलेज है उसको इम्पार्ट करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए वो जब भेजा जाता है एम्प्लॉयज को, तो वो डेवलपमेंटल असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है, या कोई ट्रेनिंग्स के लिए या कोई कल्चर सिखाने के लिए भेजा जाए, तो वो सारी डेवलपमेंटल असाइनमेंट्स में आती हैं। ये भी 5 to 10% ऑलमोस्ट असाइनमेंट्स जो हैं वो डेवलपमेंटल होती हैं। अच्छा, उसके बाद स्ट्रेटेजिक असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो बेसिकली भेजा जाता है अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए कंपनी की स्ट्रेटेजीज, जो हाई लेवल की स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिस तरह कोई नए प्रोडक्ट की लॉन्च हो गई, या जिस तरीके से कोई नया प्रोजेक्ट गेन करना है, या जिस तरीके से कोई नया डिपार्टमेंट या प्लांट एस्टेब्लिश करना है, तो वो सारी चीजें जो है आमतौर पे 10 to 15% उसमें ये भेजा जाता है उनको, ठीक है। और फाइनली जो फंक्शनल असाइनमेंट्स होती हैं, जो नॉर्मल रूटीन के असाइनमेंट्स होती हैं, जिसमें एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिसेस में रहते हुए एम्प्लॉयज को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो आमतौर पे 55 to 80% ऑफ असाइनमेंट्स जो है वो फंक्शनल असाइनमेंट्स होती हैं। अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास फंक्शनल असाइनमेंट्स हैं और जो हमारे पास टेक्निकल असाइनमेंट्स हैं, ये दो किस्म के असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें हमारे पास बड़े लिमिटेड सोर्सेज होते हैं जिनसे हम डाटा गैदर करते हैं, और बड़े ऑब्जेक्टिव किस्म के आउटपुट क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए कि नहीं हो गए, एम्प्लॉयज का किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब ऑर्डिनेट्स के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी हम गोल्स डिजाइन करते हैं उनको एक्सेस करना आसान होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि जो डेवलपमेंटल और स्ट्रेटेजिक असाइनमेंट्स हैं वो जरा कॉम्प्लेक्स हैं, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट किस्म के होते हैं, तो वहां पे हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम एक बड़ा फिक्स क्राइटेरिया बनाएं
उनकी परफॉर्मेंस असेस करने के लिए. Having understood that there are different types of tasks or assignments that are related to an expatriate, we should also keep in mind that these task variables are generally more under the control of the multinational as compared to the environmental factors. राइट, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो ऑब्वियसली जो सब्सिडरी है उसके रेलिवेंट ज़्यादा होंगे, उस कंट्री की जो सिचुएशंस हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे वो सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कल्चरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, या पॉलिटिकल फैक्टर्स, या बहुत सारे और किस्म होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की. लेकिन जो टास्क एसोसिएटेड हैं किसी भी एक्सपैट्रिएट के, ठीक है, वो मल्टीनेशनल खुद डिसाइड करती है और वो उसके कंट्रोल में ज्यादा होती है. और साथ साथ ये कि वो टास्क को असेस भी कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गोल, उनको रिस्केड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द टास्क, वो ज्यादा उसके कंट्रोल में होते हैं. और ये भी जरूरी होता है कि एक एमएनसी जो एक टास्क के साथ या उस टास्क पोजिशन के साथ जो एसोसिएटेड रोल्स हैं, ठीक है, वो भी एमएनसी डिसाइड करती है. ऑब्वियसली वो रोल्स हम जैसे जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाते हैं या हम जो उस टास्क के साथ एसोसिएट कर देते हैं कि जी आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, तो वो उसके रोल्स कहलाते हैं. और नाउ हाउ कैन वी डिफाइन अ रोल? अ रोल इज सिंपली डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइज सेट ऑफ बिहेवियर्स दैट आर असाइंड टू अ पर्टिकुलर पोजिशन. अच्छा, हमारी लाइफ में भी रोल्स होते हैं. अगर हम जॉब से हट के बात करें, फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ अ टीचर, सो माई रोल एज अ टीचर इज there are certain things that are associated with my role. ठीक है, I have to obtain knowledge, I have to disseminate knowledge, I have to prepare certain lectures, I have to take examinations. तो वो सारे set of behaviors जो मैं perform कर रहा हूँ as a teacher are those associated roles. तो obviously जब भी कोई position identify होती है या कोई position define होती है organizations में, उसके साथ associated roles भी होती हैं. ठीक है, अच्छा, आज तो ये रोल्स जो हैं, एक इंडिविजुअल किस तरह उन रोल्स को इंटरप्रेट करता है वो डिफरेंस होता है. रोल्स आर एक्चुअली प्री डिटरमाइंड. फॉर एग्जांपल एज अ रोल एज अ फादर, ठीक है, मेरा प्री डिटरमाइंड रोल है कि व्हाट थिंग्स दैट यू हैव टू डू. ऑब्वियसली उसमें प्लस माइनस होता रहता है, बट द रोल स्टिल इज देयर. अच्छा, एक्सपैट्रिएट जो है वो उसके जो रोल्स हैं वो बेसिकली रोल रेसिपिएंट है, क्योंकि उसको रोल्स बताए जाते हैं कि आपने ये परफॉर्म करने हैं, और पेरेंट कंपनी जो है वो रोल सेंटर है. इन फ्यू केसेस ये रोल्स रिटन होते हैं, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, जॉब स्पेसिफिकेशंस होती हैं, और इन मेनी केसेस दीज रोल्स आर इम्प्लिसिट. ये ऑटोमेटिकली कन्वे किया जाता है थ्रू कल्चर या थ्रू नॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि जी इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आपने कौन सा रोल कैसे परफॉर्म करना है. ठीक है, आपको अगर रोल्स का थोड़ा सा और ज्यादा समझना है तो यू गो बैक and recall your principles of management course, जिसके अंदर हमने मिंट्सबर्ग के managerial roles पढ़े थे कि वो जी एक as a manager एक individual कौन कौन से roles कैसे perform कर होता है. role of a leader, role of a liaison, figurehead, ठीक है, फिर informational roles होते हैं, monitor, disseminator, spokesperson, फिर decisional roles होते हैं जैसे negotiator, resource allocator, disturbance handler, entrepreneur. तो ये different किस्म के roles हैं जो एक job में individual perform कर रहा होता है. similarly जो एक्सपैट्रिएट है उसके भी अपने रोल्स हैं, और पेरेंट कंपनीज वो रोल डिटरमिन कर रही होती है जब उसको फॉरेन असाइनमेंट पे भेज रही होती है. साथ साथ उसको रोल एक्सपेक्टेशंस भी बताई जाती हैं उसको डिपार्चर से पहले कि जी कौन कौन सी रोल एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि उनको परफॉर्म करे जब उस जॉब पे जाएगा. ठीक है, और आमतौर पर देखा यह भी गया है कि मैनेजेरियल रोल्स जो हैं वो मोर और लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड ना काफी सिमिलर होते हैं. इनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो जिस तरह हमने वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि कुछ रोल्स एक्सपेक्ट किए जा रहे होते हैं जो मैनेजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वाले रोल्स काफी ज्यादा सिमिलर्स होते हैं. लेकिन ये रोल्स की एग्जीक्यूशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एज वेल एज द नेशनल कल्चर. ये डायग्राम भी हमें यही रोल सेंडिंग एंड रोल रिसीविंग का जो कॉन्सेप्ट है अबाउट पीसीएन, यानी वो एक्सपैट्रिएट जो पेरेंट कंट्री से आए हुए हैं एज मैनेजर्स बन के, ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव में बता रही है कि किस तरीके से जो मल्टीनेशनल का हेड ऑफिस है वो रोल सेंडर है, वो कम्युनिकेट करती है कि जी एक्सपेक्टेड रोल्स क्या हैं एक पीसीएन मैनेजर के जो उस रोल्स को कंसीव करता है. तो ये एक
स्ट्रेट लाइन है। इसी तरीके से अक्रॉस द कल्चर यानी कल्चर और बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए जो आपके होस्ट कंट्री है, ठीक है, यानी जिस कंट्री में बिजनेस सब्सिडरी है उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं डिफरेंट, वो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, जैसे उस सब्सिडरी के एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, तो वो जो लोग रिलेटेड हैं उस सब्सिडरी से, वो भी रोल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोल्स को इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। जिस तरह एक सिंपल आपको एग्जांपल दूं कि अ रोल ऑफ अ फादर इन इन अमेरिका इज डिफरेंट एज कंपेयर टू अ रोल ऑफ अ फादर इन पाकिस्तान, तो ये जो वेरिएशंस हैं वो, अच्छा, यू नीड, योर टास्क इज टू बी अ फादर, सिमिलरली योर टास्क इज टू बी अ सीईओ, लेकिन अब वो सीईओ की जो रोल, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो दोनों कंट्रीज में डिफरेंट है, और ये एक मिक्सिंग यहाँ पे हो रही है कि किस तरीके से उस पीसीएन एम्प्लॉय ने वो उनको दोनों ही कम्युनिकेट हो रहे हैं। देन देयर इज अ फीडबैक लूप कि किस तरीके से जो पीसीएन मैनेजर है वो दोनों को रिटर्न भी कर रहा है, यानी उनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस, ठीक है, और ये जो टू वे प्रोसेस है ये हम आगे चल के दिखाएंगे कि इसमें एक डिफरेंस एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं विच मे कॉज द रोल कंफ्लिक्ट। अच्छा, अब अगर देखें पीसीएन मैनेजर अडॉप्ट करे वो रोल बिहेवियर जो उसको होस्ट कंट्री इन्वायरमेंट कम्युनिकेट कर रही है, तो देयर मे बी अ कंफ्लिक्ट विद दोज दैट आर प्री डिटरमिंड एट हेड ऑफिस। तो ये हम आगे चल के इस चीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इन द सेम मैनर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टीसीएन, थर्ड कंट्री नेशनल, ठीक है, तो वहां पे तो ये थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है मामला, बिकॉज जब टीसीएन की बात कर रहे हैं तो वहां पे रोल एक्सपेक्टेशंस थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इस वजह से कि वहां पे टू डिफरेंट कंट्रीज अब आ जाएंगी, एक आपकी पेरेंट कंट्री जिसको हम हेड ऑफिस कहते हैं, ठीक है, वहां से रोल सेंड हो रहे हैं, दूसरा देर इज अ होस्ट कंट्री जहां पे से वो रोल सेंड हो रहे हैं जो होस्ट कंट्री के होते हैं, जैसे हमने बात की थी एक्सपेक्टेशंस, कल्चरल डिफरेंसेस, एनवायरमेंटल डिफरेंसेस, बिहेवियरल डिफरेंसेस, लेकिन वो टीसीएन खुद भी एक थर्ड कंट्री से बिलोंग करता है। तो रोल ऑफ अ फादर इन अमेरिका इज एग्जीक्यूटेड डिफरेंटली एज कंपेयर टू इन पाकिस्तान एज कंपेयर टू मे बी अ थर्ड कंट्री, फॉर एग्जाम्पल चाइना और रशिया और यूरोप। तो अब जब तीन कंट्रीज का आपस में मिलाप होगा तो देर इज कैन बी अ डिफरेंस, देर कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स रोल एग्जीक्यूशन एंड रोल एक्सपेक्टेशंस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, कि हमें उनके के डिफरेंट किस्म के जो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो डिफरेंट रोल्स के डिफरेंट कंट्रीज में कैसे हैं। जैसे एक यूएस मैनेजर को एक हॉलैंड की मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इंडोनेशिया में पोस्ट कर दे, तो दिस इज समथिंग दैट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग। सो लेट अस समराइज के क्या इश्यूज आ सकते हैं एक्सपेट्रिएट्स के रोल कंसेप्शंस एंड एग्जीक्यूशन में, ठीक है। सबसे पहले तो ये डिफिकल्टी इसलिए राइज होती है जो रोल्स के मामले में, क्योंकि रोल्स डिफाइन एक कंट्री में होते हैं और परफॉर्म किसी और कंट्री में होते हैं, ठीक है, और जो कल्चरल नॉर्म्स, कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ बिहेवियर्स जो एक यूएस के मैनेजर के लिए डिफाइन हुएंगे मे नॉट बी सेम फॉर सम अदर कंट्रीज मैनेजर, ठीक है, जैसे कोई इमर्जिंग इकोनॉमी है या कोई डिफरेंट कल्चरल परस्पेक्टिव है, इंडिविजुअलिस्टिक है, पावर डिस्टेंस के फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे हमने डिटेल में डिस्कस किए थे जो कल्चरल डायमेंशंस हैं, जिस तरीके से हमने देखा था कि कई कल्चर्स ऐसे हैं जिसमें टाइम का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, तो ये एक फैक्टर है। दूसरा ये कि हम अगर देखें कि समटाइम्स जो रोल कन्फ्लिक्ट आ जाता है वो किस तरीके से आता है कि आपको एक डिफरेंट ऑर्डर दे के भेजा जाता है एज एन एक्सपेक्ट्रिएट, लेकिन आप जब जाते हैं उस कंट्री में और वहां पे काम करना शुरू करते हैं तो आपको समझ आते हैं कि डायनेमिक्स डिफरेंट है, आप बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह आपसे डिमांड करती है आपका हेड ऑफिस, उस तरीके से इस मुल्क में काम नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब अगर आप उस तरीके से काम नहीं करते तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको हेड ऑफिस जो है कहे कि यू आर डूइंग एन इनएफेक्टिव, यू आर टेकिंग एन इनएफेक्टिव अप्रोच,
ठीक है, लेकिन मसला यह है कि वो डायनेमिक्स जो चाहती है आपकी हेड ऑफिस, अगर आप उस मुल्क में उसको एज इट इज, क्योंकि अब आप वहां पे फिजिकली प्रेजेंट हैं और आप उस डायनेमिक्स को ज्यादा बेहतर से समझते हैं, तो अगर आप वही करना शुरू करें जो आपसे हेड ऑफिस चाहती है, तो ऑब्वियसली वो वहां पे एप्लीकेबल आपको नहीं लगेगा, तो ये एक रोल कंफ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती है, विच ऑब्वियसली लीड्स टू अ डिक्लाइन इन परफॉर्मेंस, क्योंकि जैसे ही आपकी कंफ्लिक्ट आता है ऑब्वियसली स्ट्रेस भी आता है, और जैसे स्ट्रेस आता है तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब सब्सिडरी में अगर आप समझते हैं कि सब्सिडरी के डायनेमिक्स डिफरेंट है, आपको वहां पे और तरीके से काम करना है, लोगों से बिहेव करना है, या वहां पे जो आपने एसओपीज बनाने हैं या जो प्रोसीजर्स बनाने हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तो आपकी जो हेड ऑफिस है ना वो आपको थोड़ा सा क्रिटिकली देखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे हेड ऑफिस का हमेशा से ये कंसर्न होता है कि हम जिस तरीके से काम करवाना चाहते हैं ना वो एक हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म है, हम उसको इम्प्लीमेंट करें एज इट इज सब्सिडरी में। अच्छा, अब अगर वो जो एक्सपैट्रिएट मैनेजर है वो अपने आप को बहुत ज्यादा सब्सिडरी के साथ, यानी जिस कंट्री में वो गया उसके साथ अपने आप को अलाइन करना शुरू हो जाता है, तो देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड गोइंग नेटिव। ठीक है कि जी ये तो बिल्कुल वहीं का होना शुरू हो गया और उसका जो हेड ऑफिस के साथ कंसर्न है वो इतना ज्यादा नहीं रहा, एंड इन दैट केस ही और शी मे बी रिकॉल्ड। तो इसी यही एक वजह है कि बहुत सारी एमएनईज जो हैं वो एम्प्लॉयज के किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट्रिएट रहने पे भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं। आमतौर पे 3 years इज द नॉर्म, 3 years उनको वहां पे रखते हैं और उसके बाद उनको वापस बुला लेते हैं, ताकि वो बहुत ज्यादा अपने आप को जो है वो लोकल सब्सिडरी के साथ अलाइन ना कर लें, बिल्कुल वहीं का ना हो रहे। तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म भी होता है जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो है उसके रोल्स में समटाइम्स एक कंफ्लिक्ट आ जाता है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है रोल क्लैरिटी का। ठीक है, रोल क्लैरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल जिसमें एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अफेक्ट है। अगर रोल्स उनको क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस रोल्स हैं, और यहाँ पे एचआर का बहुत बड़ा अमल दखल है। अगर, और ये सिर्फ मैं बात आपको इंटरनेशनल के परस्पेक्टिव में नहीं बता रहा, ये इवन लोकल एचआरएम जो जनरल एचआरएम है उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग अ जॉब ऑफ एन इंडिविजुअल, तो जॉब डिस्क्रिप्शन शुड बी वेरी डिटेल्ड टू द पॉइंट एंड पर्टिनेंट टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन, इसी वजह से जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ वेरी यू नो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एचआर फंक्शन, क्योंकि आप किसी जॉब के साथ उसके रेलिवेंट टास्क बना रहे हैं, उसके रेलिवेंट स्पेसिफिकेशंस बना रहे हैं, पर्सनैलिटीज कैसी होनी चाहिए, बिहेवियर्स कौन से होने चाहिए, उसका जितने डिटेल में और प्रॉपर ग्राउंड वर्क के बाद बनाएंगे उतना ही आपके पास एक बॉटम लाइन या बेंचमार्क होगा कि एम्प्लॉय से हम ये रोल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब रोल्स क्लैरिटी होंगे तो फिर आपकी रोल्स एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी पूरी होने की ज्यादा चांसेस हैं। और ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी है कि रोल्स एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे टीसीएन से, क्योंकि वहां पे 3 cultures इन्वॉल्व हो जाएंगे एज कम्पेयर टू पीसीएन, जहां पे 2 cultures आपस में इंटरेक्ट करेंगे और रोल एक्सपेक्टेशंस जो है वो बिल्डअप होंगी। So here I wrap up the first part of this particular topic, performance management in international HRM. ठीक है, and later on we will continue with the remaining topic. For instance, के जो non-expatriate employees होते हैं उनकी performance management कैसे होती है, उसके बाद performance management का जो context है cross cultural वो किस तरह होता है, और उसके बाद performance appraisals किस तरह होती हैं international employees की। Because we have already discussed that performance management and performance appraisal are two different things. Performance appraisal is basically the part of whole performance management philosophy or approach.